हेलो भाई लोगों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पर इतना भर भर के कमेंट किया कि भाई मुझे इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो चाहिए, तो इसलिए मैं आपका भाई आपके लिए ये ट्यूटोरियल लेके आया। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्टेड वीडियो। तो भाई जो हमारी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन हमारा बैकग्राउंड ऐड हो गया है। मैंने इतना से वीडियो को कट कर लिया जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा लंबी भी ना बने। तो आगे प्रोसेस है, सबसे पहले तो अपनी PNG मॉडल की PNG है उसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम तो मैं अपने बैकग्राउंड को मॉडल की PNG ले लेता हूँ। ये हमारी मॉडल PNG ऐड हो चुकी है, तो इसको मैं अच्छे से इसके ऊपर सेट कर लेता हूँ। ये मैं मॉडल PNG जो अच्छे से सेट, अब सन की जो लेंस फ्लेयर है उसको ऐड कर लेते हैं। सन लाइट स्क्रीन हो गई है, उसको मैं जहाँ से सन लाइट आ रही है उसके ऊपर ऐड कर लेता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमारी परफेक्टली PNG ऐड हो चुकी है। अब इसके अंदर हम आईज PNG ऐड करेंगे। तो मैं ऐड फोटो के अंदर जाके ऐड मैं इसको ब्लेंड कर लेता हूँ। स्क्रीन हो गया, अब जाएंगे हम एडजस्ट पर। अब हम जो इसकी चेक्सम है उसको हम कर लेते हैं माइनस। तो आप देख सकते हैं अब ये वाइट हो गई है। तब इसको हम अच्छे से परफेक्टली आई इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो अब हम लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो हमारी फ़ोटो ओपन होगी। सबसे पहले जो हमने एडिटिंग की थी फ़ोटो, उसको आप प्रीसेट हम कॉपी कर लेते हैं। तो मैं प्रीसेट लेकर फ़ोटो, इसके अंदर जो कलर ग्रेडिंग की हुई है उसको हम कर लेते हैं कॉपी।
सेटिंग्स राइट डन। अब इस फोटो को तो अभी इधर पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी परफेक्टली फोटो एडिटिंग हो चुकी है। तो गाइस सबसे पहले अब मैं बताऊंगा इस प्रीसेट को कैसे बनाना है, ठीक है। इस प्रीसेट की मैं लिंक नहीं दूंगा, जिससे क्योंकि अगर प्रीसेट की लिंक दूंगा तो आप नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले मैं लाइट को ओपन कर लेता हूँ और देख सकते हो जो एक्सपोजर है उसको आप अपने फ़ोटो के हिसाब से कंप्रोमाइज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ये हाईलाइट को आपको रख देना है -4 पे, शेडो को +17 पे, और जो वाइटनेस है उसको कर देना है 60, और जो ब्लैक्स है ओके। उसके बाद हम जाते हैं कलर पर। तो यहाँ पे हमें जो है टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देना है 4 पे कर लेना है। वाइब्रेंस है उनको 42 पे कर लेना है, जो बढ़ा देना है। उसके बाद जो सैचुरेशन है उनको -6 पर कर लेते हैं, और जो हमारी ग्रेडिंग है उस पर क्लिक करते हैं। तो ये देख सकते हो हमारी ग्रेडिंग को इस तरफ ले लेना है गाइस, और आपको इसके छेड़छाड़ नहीं करनी है, ब्लेंडिंग ले लेना है 50 पे। उसके बाद है ये इसको भी नहीं छेड़ना है, इसको भी नहीं छेड़ना है। उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट कलर। सबसे पहले जो कलर है उसको हम देख लेते हैं, उसको हुई है जो उसको बढ़ा लेना है हमको 16 पे, और जो एसेसन है उनको कर देना है +40, और जो लुमिनस है उनको कर देना है +83। आगे तो ये हमारे स्किन टोन है, उसको लुमिनस मैंने बढ़ा लिया, जिससे हमारी स्किन जो है वाइट आ रही है, वाइट वाइट वरना ये ब्लैक हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको 79 पर रख दिया है। आपको जो फोटो में स्किन आ रही है उसके साथ आप कस्टमाइज कर सकते हो। और प्रेसिजन को हमने रखा है -1 पे, और इसको 0 छेड़ना नहीं है हुई को आपको। आगे येलो इसको माइनस कर लेना है, दोनों को हुई और प्रेसिजन को माइनस करने के बाद जो लुमिनस है उनको 6 पर कर लेना है प्लस, और जो ग्रीन कलर है उन दोनों को भी वापस 100% माइनस कर लेना है दोनों को, और जो लुमिनस है उनको 10% कर लेना आगे। फिर आता है हमारा जो सोला कर लेना है, और लुमिनस को 5% आगे बढ़ा लेना है। उसके आगे ये तो इसको भी ऐसा का वैसा करना है, इसको भी 5% बढ़ा लेना है, और इसके अंदर जो हुई है उसको 77 पे कर लेना है प्लस में, और चेसन को माइनस कर लेना है 100%, और लुमिनस है उनको 55 नंबर पर रखना है, आगे बढ़ा लेना है। उसके बाद इसमें भी दोनों को माइनस कर लेना 100%, और लुमिनस को बढ़ा लेना है 13%। उसके आगे हम देखते हैं ये, तो इसमें इफेक्ट्स में हमें टेक्सचर को बढ़ा लेना है 6% पर, और क्लैरिटी को कर देना है 4 पे, फिर आगे नहीं छेड़ना है। उसके बाद आगे हमें डिटेल्स इसमें हम साथ में कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना है, इसको भी बस ये इतना सा है इस फोन के अंदर। और बहुत ही बढ़िया फोन फोटो में लुक आ रही है, बहुत ही अच्छी डार्क फोन आ रही है, इससे भी कम्प्लीट हो चुकी है। इसलिए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और देखते हैं और बेल आइकन दबा देना, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई डू लव यू।